नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वित्त विभाग ने नौकरी नियमों को बेहद कड़ा मसौदा मुख्य सचिव को भेजा। साथियों, जो नौकरी नियमों के वित्त विभाग की तरफ से जो भेजा गया है लेटर, वो आपको दिखाया भी जाएगा। साथियों, इसके अलावा ये देखिए, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कच्चे कर्मचारी भर्ती होंगे, उनको पक्का नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा प्रोसेस बनाया जा रहा है जिससे वो कैंडिडेट कभी भी पक्के नहीं हो सकते। और साथियों, हरियाणा सरकार एक लाख पदों के ऊपर जो भर्ती है या जो कच्चे कर्मचारी है वो लगाने का प्लान बना रही है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताई जाएगी। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती हो, यानी कि जो पहले डीसी रेट भर्ती होती थी वो हो, या फिर साथियों किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत या कॉलेज वगैरह में कोई नई भर्ती निकलती हो, सभी प्रकार की भर्तियों की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए अब देख लेते हैं ये खबर, जो 22 अप्रैल 2022 को, ये देखिए साथियों, 22 अप्रैल 2022 को मुख्य सचिव को जो लेटर भेजा गया है वित्त विभाग की तरफ से कच्चे कर्मचारियों की नौकरी नियम का, उसमें साथियों पक्के होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। वे नियमित होने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकेंगे। और इसके अलावा साथियों, ये बड़ी खबर है कि समान काम और समान वेतन का लाभ भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप पक्के मत करो, लेकिन कम से कम समान काम समान वेतन का लाभ तो दीजिए। पद भी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के जैसे नहीं रहेंगे। प्रदेश सरकार ने निगम का गठन तो कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए किया है। पारदर्शिता लाने, खर्च घटाने और ईपीएफ ईएसआई आदि जमा करवाने को लेकर किया है, लेकिन नौकरी नियम इतने कड़े बनाए जा रहे हैं कि निगम के कर्मचारियों को वेतन आयोग या अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। जिन पदों पर ये कर्मचारी काम करेंगे उन पक्के पदों को सरकारी विभागों में ख़त्म करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। यानी कि साथियों, जिन पदों के ऊपर ये कर्मचारी काम करेंगे उनकी पक्की भर्तियां भी नहीं की जाएंगी। बाजार के नियमानुसार इन कर्मियों से सरकार काम लेगी। निगम के पदों के नाम, रो नंबर, ड्यूटी, जिम्मेदारी आदि नियम के पदों के नाम, रोल, ड्यूटी, जिम्मेदारी आदि नियमित कर्मचारियों के पदों से अलग होगी। यानी कि इनका काम भी और इनकी ड्यूटी, जो भी इनका प्रोसेस रहेगा, वो रेगुलर कर्मचारियों से अलग रहेगा। इसे कुशल, अर्धकुशल पद नाम ही दिए जाएंगे, जिससे ये समान काम समान वेतन की मांग नहीं कर सकते। किसी भी तरह से इन कर्मियों को सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग के मुख्य सचिव कार्यालय को सुझाया है, मुख्य सचिव कार्यालय को वित्त विभाग ने सुझाया कि अगर कुछ पद सरकारी विभागों की तरफ पर बनाए गए हैं तो उन्हें भी ठीक कर लें। और ये देखिए साथियों, एक लाख कर्मचारियों को निगम में लाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। सरकार का लक्ष्य लगभग 1 लाख कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में लाने का है। वित्त विभाग का मानना है कि ये भी पक्के हो गए तो वेतन भत्ते और रिटायरमेंट लाभों का खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा। इस साल से केंद्र सरकार जीएसटी में राज्य का हिस्सा भी नहीं देगी, इसलिए मसौदे के मद्देनज़र नौकरी नियम बनाए जाएं, सरकार स्तर पर समिति बनाए जाए जो यह देखे कि कर्मचारी श्रम कानून या औद्योगिक विवाद एक्ट के तहत मुकदमे न कर सके। नियम बनाने में महाधिवक्ता की से कानूनी राय भी ली जाए। साथियों, ये बड़ी खबर है। ये खबर आपको कैसी लग रही है, या ये जो सरकार कार्य कर रही है सही है या गलत है, इसके ऊपर आप अपनी राय ज़रूर दें। लेकिन साथियों, इससे अच्छा होता अगर कच्चे कर्मचारियों की बजाय ये जो 1 लाख कर्मचारी लगेंगे ये रेगुलर कर्मचारी लगते तो बहुत ही अच्छा निर्णय हम सरकार का कह सकते थे। लेकिन अब क्या करें, बेरोजगार युवाओं का फ़ायदा उठाने के लिए सरकार भी तत्पर है।
तो आपकी राय साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।